ठीक है ना। देखें अब न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है, देखें इसमें हम देखते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल देते हैं, किसको देते हैं, पेशेंट को देते हैं, और कैसे देते हैं, ठीक है, आईवी देते हैं, ओरल देते हैं, या फिर इनहेलेशनल रेडियो एक्टिव एजेंट देते हैं, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, या रेडियो एक्टिव एजेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये इस तरह आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पेशेंट को देते हैं, जब ये बॉडी के अंदर जाता है ना ये मटेरियल, तो इट इज़ टेकन अप बाय स्पेसिफिक टिश्यूज़, ठीक है ना, याद रखें, ये जब ये अंदर जाता है तो सेल्स इसको टेकअप करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जब ये टिश्यूज़ टेकअप करते हैं तो इन टिश्यूज़ के अंदर से फिर क्या निकलता है, देखें इसको ऐसे समझें, यहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल गया, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर से फिर क्या निकलती है, गामा रेडिएशन, ठीक है ना, गामा रेडिएशन निकलती है, ठीक है ना। यहाँ से फिर जब गामा रेडिएशन निकलती है ना, इसको हम एक गामा कैमरा के ज़रिए, ठीक है ना, गामा कैमरा के ज़रिए रिसीव करते हैं इन रेडिएशंस को, और इसी रेडिएशंस को हम कन्वर्ट करते हैं इमेज में, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडिएशन हमने दी, रेडिएशन गई ओरल या इनहेलेशनल या आईवी के ज़रिए टिश्यूज़ में, टिश्यू ने टेकअप किया, वहाँ से टिश्यू से फिर गामा रेडिएशंस निकले, इस गामा रेडिएशन को हम गामा कैमरा के ज़रिए पकड़ते हैं और इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। याद रखें कि जो जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये किस ऑर्गन में, इंटर ऑर्गन में जज़ब होती है, या कौन सा ऑर्गन इसको टेकअप करता है, ये डिपेंड करती है उसके स्पेसिफिक टिश्यू पे, ठीक है ना, ऑर्गन के। फॉर एग्जांपल अब देखो, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, तो ये थायराइड इसको अपटेक करता है, ठीक है, थायराइड अपटेक करता है। इसी तरह अगर हम रेडियो एक्टिव थेलियम देते हैं, थेलियम, ठीक है, तो ये मायोकार्डियम से के अंदर जाता है और वहाँ से गामा रेडिएशंस इमिट करता है। इसी तरह रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम देते हैं, अगर हम टेक्नीशियम 99, तो ये फिर इसको बोन्स अपटेक करती हैं, इसको बोन्स अपटेक करती हैं, ठीक है, ठीक है। देखें इनसाइड आउट कंसेप्ट है इसमें, इनसाइड आउट, जैसा कि देखें हम एक पर्सन का एक्सरे लेते हैं, तो इसमें हम रेडिएशंस जो हैं, रेडिएशंस बाहर से अंदर डालते हैं ना, बाहर से अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में हम अब जो करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ओरली देते हैं, आईवी या जैसे भी हम देते हैं इनहेलेशनल, वो अंदर से बाहर रेडिएशन छोड़ता है, तो इसको इनसाइड आउट कंसेप्ट, ठीक है। एक्सरे में जैसे हम बाहर से रेज डालते हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है इसमें, न्यूक्लियर मेडिसिन है इसमें हम क्या करते हैं, अंदर से आने वाली रेज को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो है ना, ये इनसाइड आउट कंसेप्ट है, आप एक बार फिर पढ़ लें, द इनसाइड आउट कंसेप्ट, एक्सरेज में जैसे हम बाहर से रेज डालते हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है क्या, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसमें हम अंदर से आने वाली रेज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, समझो, रेडिएशन में, एक्सरे वगैरह में बाहर से अंदर, तो इसको अंदर से बाहर कर लो न्यूक्लियर मेडिसिन में, ठीक है, इसको इनसाइड आउट कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखें अदर इमेजिंग इज एनाटॉमी बेस्ड, ठीक है ना, दूसरी जितनी भी इमेजिंग है दैट इज एनाटॉमी बेस्ड, न्यूक्लियर इमेजिंग इज फिजियोलॉजी बेस्ड होती है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिजियोलॉजी बेस्ड होती है न्यूक्लियर इमेजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि हम रिलेट करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन को फंक्शन ऑफ द थायराइड के साथ, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब देखें कि एग्जांपल्स ऑफ द न्यूक्लियर्स के मेडिसिन देखो, तो थायराइड स्कैन जैसा कि हम थायराइड में करते हैं, इसी तरह बोन स्कैन हम करते हैं, ठीक है ना, बोन स्कैन किस लिए, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा स्प्रेड्स टू बोन स्कैन, जो बोन्स, तो इसको इसमें हम, ठीक है ना, बोन स्कैन करके देखते हैं कि आया ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जैसे और भी बहुत सारे कार्सिनोमास में बोन स्कैन हम इसलिए करते हैं कि वर्कअप हो पूरा मेटास्टेटिक, ठीक है। इसी तरह DTPA स्कैन हम रीनल फंक्शन के लिए करते हैं, मायोकार्डियल थेलियम स्कैन हो गया, हिडा स्कैन हो गया,
ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह पेट स्कैन इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऐसे बोलते लोग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब पेट होता क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी बोलते हैं इसको, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, क्या पॉजिट्रॉन, ई फॉर इमिशन, टी फॉर टोमोग्राफी, ठीक है ना।